नमस्कार। हमारी इस विशेष पेशकश सिनेमा सत्यजीत रे का में मैं साइमा खान आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम 20वीं सदी के उस महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की सिनेमाई प्रतिभा पर बात करेंगे जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। सत्यजीत रे जिन्होंने भारतीय सिनेमा की दिशा और दशा बदलने में अहम योगदान दिया और भारतीय सिनेमा और संस्कृति को विश्व पटल तक पहुंचाया। वो एक ऐसे प्रतिभावान निर्देशक रहे जो पटकथा लेखक, साहित्यकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार थे, तो वहीं वो अपनी फिल्मों में स्टोरी बोर्ड से लेकर कैमरा तक खुद हैंडल करते थे और उनकी एक एक फिल्म अपने आप में एक अलौकिक रचना है जो दर्शकों को एक अलग ही लोक में ले जाती है। फिल्मी सेट पर काम में मगन, मुंह में सिगार दबाए, सोचती आंखें, नपे तुले अंदाज में बोलना, 6 फीट 5 इंच की प्रभावशाली शख्सियत, ये हैं भारतीय सिनेमा के कालजयी महापुरुष सत्यजीत रे, जिन्हें अपने आप में सिनेमा का एक संस्थान माना जाता है। सत्यजीत रे एक भारतीय फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक, साहित्यकार, ग्राफिक कलाकार, गीतकार थे, जिन्हें 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्देशकों में गिना जाता है। उनका जीवन हर भारतीय के लिए एक आदर्श और प्रेरणा का स्रोत है। उनके काम और रचनाओं का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि महज 36 फिल्में बनाकर वो 32 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेता बने, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित हुए और पहले ऐसे भारतीय फिल्म निर्देशक बने जिनके पास खुद ऑस्कर अवार्ड चल कर आया। सत्यजीत रे का जन्म 2 मई 1921 को कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी था। रे फ्रांसीसी फिल्म निर्माता जीन रेनॉयर से मिलने और लंदन की यात्रा के दौरान विक्टोरिया डी सीका की इतालवी नव यथार्थवादी फिल्म बाइसिकल थीफ देखने के बाद स्वतंत्र फिल्म निर्माण की ओर आकर्षित हुए। फिल्म निर्माण में कोई अनुभव ना होने के बाद भी उन्होंने यथार्थवादी फिल्मों के कई प्रतिमान सामने रखे। सत्यजीत रे जिन्होंने ना सिर्फ भारतीय फिल्मों को एक नई दिशा दी बल्कि भारतीय सिनेमा को विश्व फलक तक पहुंचाने में विशेष योगदान निभाया। बंगाल के प्रसिद्ध साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की रचना पर उनके द्वारा निर्देशित फिल्म पाथेर पंचाली उनकी आदर्श फिल्म मानी जाती है जो कोलकाता के सिनेमाघरों में 13 सप्ताह हाउसफुल रही। इस फिल्म ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट के विशेष पुरस्कार से सम्मानित हुई। अपू ट्रायलॉजी सीरीज पर ही बनी उनकी फिल्में अपराजितो और अपूर संसार ने उन्हें विश्व सिनेमा के अग्रणी फिल्मकार के रूप में स्थापित किया। उनकी बेमिसाल रचनाओं में पारस पत्थर, जलसा घर, देवी, महानगर, चारुलता, सोनार केला, पीकू और गण शत्रु शामिल हैं। रे एक बहुमुखी प्रतिभा का व्यक्तित्व रखते थे। वो खुद ही अपनी फिल्मों के स्क्रीन प्ले लिखते और खुद ही किरदारों के कपड़े डिजाइन करते और 1964 में फिल्म चारुलता के बाद से कैमरा भी खुद ही संभालते थे। सत्यजीत रे की एक एक फिल्म अपने आप में एक अलौकिक रचना है जो दर्शकों को एक अलग ही लोक में ले जाती है। सिनेमा में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए उन्हें लगभग सभी बड़े फिल्मी सम्मान मिले और साथ ही उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के साथ साथ देश के सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। वर्ष 1991 में प्रदर्शित फिल्म आगंतुक उनके सिने करियर की अंतिम फिल्म थी। 23 अप्रैल 1992 ही वो दिन था कि जब इस महान निर्माता ने आखिरी सांस ली। सत्यजीत रे भले ही आज इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिल्मों के प्रति उनका त्याग और समर्पण हमेशा याद किया जाएगा। फिल्मी दुनिया में सत्यजीत रे के अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें अनेक सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। सत्यजीत रे जिन्होंने आर्ट सिनेमा को जिस तरह से उजागर किया, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा माना। उन्होंने भारतीय सिनेमा में नए नए ट्रेंड स्थापित किए। यूं तो उनकी हर एक फिल्म अपने आप में मिसाल है लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी हैं जिन्हें बेहद सराहना हासिल हुई है।
ছেলে খালের উপর বসে বসে অন্ন ধ্বংস হচ্ছে। 1963 की महानगर। इस फिल्म में सत्यजीत रे ने बड़े ही खूबसूरती से दर्शाया है कि बड़े शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गुजर बसर करना कितना मुश्किल होता है। अवनी ठाकुरपुर का जी किछु धार चाहिए बोले छिले जी। और साथ ही ये फिल्म ये भी बताती है कि किस तरह से बड़े शहरों में रहने वाली महिलाएं ऑफिस में काम करने के साथ घर का काम भी बड़ी ही सहजता से करने में सक्षम होती हैं। ये फिल्म पति और पत्नी दोनों के घर और ऑफिस के जीवन की कश्मकश पर आधारित है। दुनिया भर में इस फिल्म को सराहा गया। साल 1964 में 14वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे को बेस्ट डायरेक्टर का गोल्डन बियर अवार्ड मिला और साथ ही 36वें ऑस्कर अवार्ड में ये फिल्म सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी के लिए नॉमिनेट हुई। चारुलता। इस फिल्म को अपने समय के आगे की फिल्म माना जाता है। फिल्म में महिला के व्यभिचार और अकेलेपन को बहुत ही सहजता से दर्शाया गया है। जो शादीशुदा तो है लेकिन उसकी कोई संतान नहीं है। ये फिल्म रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी नस्ता निरा दी ब्रोकन नेस्ट पर आधारित है और 19वीं सदी के अंत में कोलकाता पर आधारित है। তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে, ও গো বিদেশিনী। কার চিঠি? হাতের লেখা চিনি না। এম মিত্র। তো সেনসেশনাল ব্যাপার, তো এনাবার ভবন সন্ন্যাসী। साल 1991 में रिलीज हुई फिल्म आगंतुक सत्यजीत रे की आखिरी फिल्म है, लेकिन ये उनके करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। फिल्म में उत्पल दत्त ने अभिनय किया था। फिल्म की स्क्रिप्ट, डायलॉग और सीन बहुत ही शानदार थे। इस फिल्म में सस्पेंस के साथ साथ हमें कोलकाता की खूबसूरती भी देखने को मिलती है। इसे बेस्ट फीचर फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर के साथ स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिला था। याद रखे, शतरंज का एक अहम उसूल है जो कभी तोड़ा नहीं जाता। कौन सा उसूल? जिस मोहरे को हाथ लगा लिया उसी का चलना लाजमी है। हम हार हो गए, हम तो हमेशा हमेशा आप एक मोहरा उठाते हैं, पल भर सोचते हैं और फिर दूसरा मोहरा चलते हैं, यही करते हैं आप। सत्यजीत रे ने हिंदी में फिल्म बनाने के प्रस्ताव वर्षों अनसुने किए, क्योंकि हिंदी भाषा से अनजान होना उनके फिल्म निर्माण की शैली को रास नहीं आता था। फिर वो प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर वाजिद अली शाह के जमाने की शिष्ट उर्दू में फिल्म बनाने को तैयार हो गए। फिल्म का केंद्र संवेदनशील न रखकर उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में दर्शाया। फिल्म में उनके मंत्रियों की कहानी बताई गई है जिनको शतरंज खेलने का बहुत शौक होता है और वो छुप छुप कर शतरंज खेलने की जगह ढूंढते रहते हैं। कहानी के आखिर में दोनों दोस्त एक बाजी में ऐसे उलझ जाते हैं कि एक दूसरे की जान ही ले लेते हैं। चलिए लगे हाथों एक झटपट बाजी हो जाए। झटपट बाजी? जी हाँ, झटपट बाजी। सत्यजीत रे, जिन्होंने बंगाली भाषा के सिनेमा में कई प्रतिमान गढ़े, वहीं हिंदी सिनेमा भाषा की वजह से उनकी प्रतिभा से वंचित रहा, क्योंकि वो अपने काम से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। कोशिश उन्होंने जरूर की, जहां उन्होंने 1977 में प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी पर फिल्म बनाई। ये उनकी हिंदी सिनेमा की एकमात्र फिल्म है और क्योंकि ये फिल्म लखनऊ के नवाबों पर बनी थी और इसीलिए उन्होंने इसके संवाद उर्दू में लिखवाए, जिसके लिए उन्होंने कई तरह की रिसर्च की और कई लोगों पर सोच विचार करने के बाद ये काम प्रसिद्ध पटकथा लेखक जावेद सिद्दीकी जी को सौंपा गया। जावेद सिद्दीकी आज साहित्य और फिल्म की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। जावेद सिद्दीकी, जिन्होंने श्याम बेनेगल और मुजफ्फर अली की ऑफ बीट फिल्मों से लेकर यश चोपड़ा,
सुभाष घई और रमेश सिप्पी की कमर्शियल फिल्मों के लिए पटकथा और संवाद लिखकर अपना एक खास मुकाम बनाया है। कई सुपरहिट फिल्मों में जावेद सिद्दीकी के कलम का कमाल शामिल रहा है। जावेद सिद्दीकी साहब आज सत्यजीत रे के साथ अपने तजुर्बे को हमसे साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ऐसे आदमी के बारे में बात करने के लिए यहाँ निमंत्रण दिया है जिनका एहसान मैं जिंदगी भर अदा नहीं कर सकूंगा। बहुत शुक्रिया जी। जावेद साहब, यूँ तो आपका काम ही इतना ज़्यादा है कि उस पर भी एक प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन क्योंकि आज हमारा ये प्रोग्राम सत्यजीत रे की प्रतिभा पर, उनके फिल्म डायरेक्शन के ऊपर आधारित है, तो इस वजह से आज हम बात करेंगे सत्यजीत रे की। और हम ये कह सकते हैं कि आपने जो अपने फिल्मी करियर की शुरुआत करी, संवाद की, वो सत्यजीत रे के साथ की थी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोगों का तो सपना होता है उनके साथ काम करने का, और आपके काम की शुरुआत ही उन्हीं के साथ हुई है। तो किस तरह की फीलिंग आपकी रही उस टाइम जब आपको ये उन्होंने कहा कि मेरे फिल्म के डायलॉग्स आप लिखेंगे? हाँ, थोड़ी देर के लिए आसमान घूम गया और जमीन पांव के नीचे से निकल गई। ये बड़ा अजीब गरीब वाकया है, इसलिए कि उससे पहले, फिल्म लेखन से पहले या सत्यजीत रे से मुलाकात से पहले मैं जर्नलिस्ट था, और मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिल्म लाइन में आऊंगा या मुझे डायलॉग लिखने का मौका मिलेगा। मेरी दोस्त शमा जैदी, जो शतरंज के खिलाड़ी की कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, उन्होंने मेरा नाम सत्यजीत रे को सजेस्ट किया, और सत्यजीत रे जब बॉम्बे आए तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया, और पता जाने उन्होंने मुझ में क्या देखा कि उन्होंने मुझसे कुछ ज्यादा सवाल भी नहीं किए, सिर्फ दो सवाल किए कि मैंने सुना है। और वो एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि वो इंग्लिश और बंगला के सिवा कोई दूसरी जबान नहीं जानते थे, तो उन्होंने मुझसे इंग्लिश में पूछा कि मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर हो। अंकल साहब, कोई आदमी अपने फन को खुद तो जज कर नहीं सकता, अगर आप चाहें तो मैं अपनी कुछ कहानियां तर्जुमा करके इंग्लिश में आपको दे सकता हूं तो उसे, और आप उसे देख लें। तो उन्होंने कहा कि नो यंग मैन, आई कैन सी यू एंड दैट्स इनफ, एंड यू आर राइटिंग द डायलॉग फॉर माय नेक्स्ट। जी जावेद साहब, आपका ये, मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जिसमें आपने उनके साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया है, और किस तरह से वो शुरुआत हुई और बाकी आगे की कहानी, आपने किस तरह से उनका साथ दिया, तो वो थी ये क्या आदमी था रे, इसको मैंने पूरा पढ़ा है। तो इसी से मुतालिक, इसी से ही मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी, जिसमें आपने शुरुआत में ही ये लाइन लिखी है कि ऐसी फिल्में, उनके फिल्मों के बारे में आपने लिखा है कि ऐसी फिल्में जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। तो जाहिर सी बात है कि हम एक आपकी नज़र से जानना चाहते हैं कि उनकी फिल्मों में ऐसी कौन सी विशेषता आपको लगी थी जिसकी वजह से आज उनको एक महान निर्देशक के रूप में जाना जाता है, आप उनको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरी मुराद ये थी कि उनकी जो फिल्में थी वो पाथेर पंचली हो या अप्पू हो, अप्पू संसार हो, या अभिजान हो, या चारुलता हो, या और भी कुछ जितनी सारी फिल्में उन्होंने बनाई, वो उस वक्त की डगर से बिल्कुल अलग हटती थी। उस वक्त तक जितनी भी फिल्में बन रही थी वो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बन रही थी, उसमें मार धाड़ भी होती थी, गाने भी होते थे, और रोमांस भी होता था, बहुत कुछ होता था, और मेरा ख्याल है अभी काफी कुछ वैसे ही हो रहा है। लेकिन उनका जो जो उनकी जो फिल्में हुआ करती थी वो इंसान के इतने करीब, इतनी अच्छी उसकी स्टडी, गरीबी क्या होती है, उसका दुख क्या होता है, गरीब आदमी कैसे रहता है, और इस तरीके की चीजें जो हैं वो इससे पहले स्क्रीन पे नहीं आई थी। इसलिए उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे जैसे लाखों लोगों को चौंकाया, मैं भी उनमें से एक हूँ,
और मैंने उस वक्त सोचा कि ये आदमी है कौन जिसने इतनी अजीब अजीब फिल्में बनाई हैं, इतनी हट के फिल्में बनाई हैं, और सबसे बड़ी चीज ये कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो फिक्शन नहीं मालूम होता, वो ऐसा मालूम होता है कि जिंदगी का कोई वर्क उन्होंने उठा के आपके सामने रख दिया है। और ये एक बहुत बड़ी चीज होती है जो बहुत कम डायरेक्टरों को नसीब होती है कि वो जिंदगी को स्क्रीन के जरिए आपके इतने पास ले आए। ये बात सत्यजीत रे में थी। आपने जबान के हवाले से जो बात कही है कि वो बंगाली भाषा के निर्देशक थे, और लेकिन कहीं भी उनकी फिल्मों में अगर चाहे वो बंगाली जानता भी ना हो लेकिन अगर उनकी फिल्म को देखेगा तो वो आसानी से उस फिल्म को समझ पाएगा, उसकी कहानी को समझ पाएगा और वो किरदार क्या कहना चाहता है वो भी समझ पाएगा। तो ये उनकी फिल्मों की खासियत थी। और इसी का जिक्र आपने भी किया है कि अगर कोई जबान से समझ भी नहीं पाएगा तो भी सिर्फ तस्वीरें देखकर ही समझ जाएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये उनकी फिल्मों की खासियत थी, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये बात मैंने इसलिए लिखी थी कि जब मैं डायलॉग लिख रहा था और जब मैं डायलॉग लिखता था तो उनको इंग्लिश में तर्जुमा करके भी सुनाता था और उसमें अपनी राय भी देते थे कि ये इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो एक मर्तबा उन्होंने मुझे कहा कि देखो, डायलॉग वही लिखना चाहिए जहां तस्वीर बोलना बंद कर दे, क्योंकि तस्वीर खुद जो है वो एक डायलॉग है, वो बता रही है अपने आप को, कहानी को आगे बढ़ा रही है, कहानी कह रही है। तो वहां आपको संवाद की जरूरत नहीं है, वहां लफ्जों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तस्वीरों को लफ्जों की जरूरत नहीं होती। लेकिन जहां आपको लगे कि तस्वीर से बात नहीं बन रही है, कहानी आगे नहीं बढ़ रही है, जब तक वहां दो चार छह लफ्ज ना लिखे जाए जिसे हम डायलॉग कहते हैं, तो वहां आप जरूर लिखे। और ये जो गुरु मंत्र उन्होंने मुझे दिया था, ये मैंने आज तक मेरी जो 50 साल की तकरीबन फिल्मी जिंदगी है जिसमें मैंने दर्जनों बल्कि सैकड़ों कहना चाहिए फिल्में लिखी, उसमें मैंने ये आजमाया कि खामोशी जो है, तस्वीर की खामोशी, वो भी बोलती है। और इसलिए मैं वहाँ कभी डायलॉग नहीं लिखता जहाँ उसकी जरूरत नहीं होती। सर, हिंदी सिनेमा में उनकी फिल्मों की कमी हमेशा से महसूस होगी, और एकमात्र फिल्म उनकी शतरंज के खिलाड़ी थी जिसके डायलॉग्स उन्होंने आपसे लिखवाए थे। बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करते थे, बहुत मेहनत करते थे और कहीं पर भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब आपने उनके साथ काम किया तो उनको किस तरह का पाया, क्या आपको ऐसा लगा कि उन्होंने हिंदी भाषा की तरफ क्यों इतनी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्या उनको ज़्यादा ही परफेक्शन थे वो, और आपने उनको कैसा पाया? जैसा कि मैंने कहा अभी कि मेरी फिल्मी जिंदगी तकरीबन 50 साल की है, इस 50 साल में मैंने तकरीबन 30-35 मुख्तलिफ डायरेक्टरों के साथ काम किया, और मैं आज ये कह सकता हूँ कि मैंने सत्यजीत रे से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सुलझा हुआ डायरेक्टर नहीं देखा। उसकी एक मोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूं कि वो अपने हर शॉट का एक स्केच बनाया करते थे और ये एक मोटा सा खाता हुआ करता था, जैसे पुराने जमाने के बनियों के पास होता था, वो अपने लाल कपड़ा चढ़ा हुआ उसके ऊपर, जिसे भाई खाता कहा जाता है, जिसमें पुराने जमाने में हिसाब किताब लिखा जाता है, वैसे एक खाता था और उसके हर पेज के ऊपर उनके तमाम शॉट्स जो थे वो ऊपर नीचे लगे होते थे। उसके साइड में वो डायलॉग जो उनका होता था वो बंगला में भी लिखा होता था, और वो मतलब बंगला भाषा, बंगला लिपि में उर्दू लिखी भी होती थी और इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ। और उस जो फ्रेम वो बनाते थे, जो स्केच वो बनाते थे, उसे देखने के बाद ये अंदाजा फौरन हो जाता था कि ये फ्रेम कितना बड़ा है, इसमें एक्टर जो है वो मिड शॉट में है, लॉन्ग शॉट में है, क्लोजअप में है, और
फ्रेम के अंदर क्या दिखाई दे रहा है और क्या नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अगर वो जो आर्ट डायरेक्टर है या कैमरा मैन है वो फ्रेम उस स्केच को देखने के बाद वो खुद ब खुद उसकी कैमरा लगा के और उसका शॉट रेडी कर दिया करता था, ये उसका कमाल था। और ये वही आदमी कर सकता है जिसका विजन बिल्कुल क्लियर हो, जिससे ये मालूम हो कि वो क्या कहना चाह रहा है, किस तरह कहना चाह रहा है और उसका एक स्केच बना दे। यही जिक्र आपने अपने इस आर्टिकल में भी किया है कि मैंने ये महसूस किया कि उनकी एक तीसरी आंख थी और उस तीसरी आंख से वो सब कुछ महसूस कर लिया करते थे, यहाँ तक कि अगर उनकी स्क्रिप्ट और कहानी के साथ कोई आम व्यक्ति भी जा रहा है तो वो उससे भी एक्टिंग करवा लिया करते थे। ज़रूरी नहीं था कि कोई नामवर कलाकार ही हो जिससे वो काम कराएं, अगर कोई आम व्यक्ति भी उनको लगता है कि वो हाँ उनकी स्क्रिप्ट के लिए सही है, उनकी कहानी के लिए सही है, तो वो उससे भी काम करा लिया करते थे। देखिए उनकी तीसरी आंख की बात मैं आपको बताऊं तो उनकी तीसरी आंख का सबसे बड़ा जो नमूना है तो वो तो मैं खुद बताई आपने बताया, बस 2-3 मिनट उन्होंने मुझे देखा और फिर उसके बाद कहा कि बस तुम मेरी फिल्म के डायलॉग लिखोगे। हाँ, तो ये उनकी तीसरी आंख ही तो थी जी। पर एक लड़का उनके सामने बैठा हुआ है जिस कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानते और जो एक दूसरी जबान जो दूसरी जबान बोलता है जो उनकी जबान भी नहीं बोलता, और उस आदमी को देखकर ये फैसला कर लेना कि ये बंदा जो है ये बिल्कुल सही है। एक दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल है। बीरूत के एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट में तरीके खड़े थे, फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, वहां इत्तेफाक से सईद जाफरी भी थे, वो भी कहीं जा रहे थे। उन्होंने सत्यजीत रे को देखा तो आए, कुछ आदाब सलाम हुआ और सत्यजीत रे ने उनसे 2-4 बातें की और फिर छूटे पूछा, सईद तुम मेरी फिल्म में काम करोगे? सईद उस वक्त तक हिंदुस्तान में बिल्कुल नहीं जाने जाते थे, बीबीसी में उन्होंने कुछ ड्रामों में काम किया था, एक दो फिल्मों में काम किया था, बस इंग्लिश एक्टर के तौर पर जाने जाते थे और हिंदुस्तान में उनका कोई नाम तक नहीं जानता था। अब एयरपोर्ट पे खड़े हुए एक आदमी से जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा नहीं जानते ये कहना कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, फिल्म में काम भी किया, मतलब उस फिल्म का दूसरा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल। तो अगर वो तीसरी आंख नहीं होती आप मुझे बताते कौन ये आदमी फैसला कर सकता है? हमारे यहाँ तो आज अगर छोटे से रोल के लिए भी किसी का सिलेक्शन होता है तो उसके इतने लुक टेस्ट के पूरा ऑडिशन होता है। एग्जैक्टली जी, उन्होंने तो बगैर ऑडिशन के सारे लोगों को हायर कर लिया, उनकी पता नहीं इसके लिए ये ठीक है। सत्यजीत रे साहब में बहुत ज्यादा वर्सटाइल थे वो, बहुत ज्यादा मतलब हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा माहिर थे, कैमरा हैंडल भी करते थे, कॉस्ट्यूम भी देखते थे, स्क्रिप्ट भी देखते थे, स्केच भी बनाते थे, तो इतनी सार और उनकी हर एक फिल्म जो थी वो अपने आप में अलग हुआ करती थी, यानी कि ये नहीं कि एक फिल्म है वो दूसरे से मैच कर रही है, हर फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ खासियत होती थी। ये जो आपने वर्सैलिटी देखी है उनके अंदर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मेरा ख्याल ये है कि हर वो डायरेक्टर जो जिसे हम मुकम्मल डायरेक्टर कह सकते हैं वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल और सबसे खूबसूरत मिसाल सत्यजीत रे थे। वो एक मुकम्मल डायरेक्टर, मुकम्मल डायरेक्टर का मतलब ये है कि जो हर चीज जानता हो, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि उनका अपना एक विजन था, उन्हें मालूम था कि ये ड्रेसेस, वो ड्रेसेस में ज्यादा दखल नहीं देते और शमा जैदी के ऊपर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन ये कि वो कलर के बारे में जरूर राय देते थे, यहाँ ये कलर अच्छा रहेगा। मिसाल के तौर पर ये कि एक मरतबा उन्होंने मुझसे यूं ही कहा था कि आउटडोर में ग्रीन और ब्लू रंग जो है वो ज्यादा निखर के आते हैं। अब क्यों निखर के आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि उनका अपना विजन, विजन था उनका अपना जी। लेकिन ये कि वैसा आदमी जो ए से लेके जेड तक अपनी फिल्म की हर चीज को जानता हो,
एडिटिंग पे वो खुद बैठते थे, म्यूजिक के पीसेस खुद बनाते थे, स्क्रिप्ट खुद लिखते थे, और आर्ट 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 डायरेक्टर के मामले बहुत खुश नसीब थे। बंसी चंद्र गुप्त के साथ उन्होंने काम किया, बंसी चंद्र गुप्त को मशवरे देते थे। वो कौन सा शोभा था जिसमें वो उनका एक विजन काम नहीं करता होता था, और इसीलिए जो सत्यजीत रे की जो फिल्में हैं वो दूसरी फिल्मों से बिल्कुल अलग हट जाती हैं। जी हाँ। They are not made films, they are authored films। जी, तो जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका दूरदर्शन के साथ जुड़ने का, और सत्यजीत रे के साथ जो आपके अनुभव थे वो आपने हमसे साझा किए, और साथ ही साथ उनके फिल्म निर्माण को लेकर आपने हमको बहुत अच्छी बातें बताई कि वो क्यों क्या ऐसा उनमें खासियत है जिसकी वजह से उनको एक महान डायरेक्टर की उपाधि हासिल हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के डूडी न्यूज़ से। बहुत सत्यजीत रे भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा देखी गई दुनिया, उनका भरपूर रचनात्मक संसार हम उनकी बनाई फिल्मों में देख सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अनमोल खजाना है। आज की हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।